गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. क्लास 8 हिंदी व्याकरण आपका फर्स्ट लेसन है. भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण. तो कल हम लोगों ने पढ़ा राजभाषा, मातृभाषा. तो अब हम पढ़ते हैं उसके आगे. तो देखिए, कहते हैं आज हिंदी की गिनती विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में होती है. विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है. भारत में सबसे अधिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं हिंदी में ही निकलते हैं. टेलीविजन पर सबसे अधिक कार्यक्रम हिंदी में ही प्रसारित होते हैं और समाचारों के चैनल भी हिंदी में ही सबसे अधिक हैं. तो देखिए, भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, उसमें बता रहे हैं कि भारत के संविधान में जिन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है उनके नाम भी बताए हैं. उनके नाम इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी. इन 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है. तो देखिए, अब हम चलते हैं मानक भाषा की तरफ. मानक भाषा है क्या? मानक भाषा मीन्स होता है भाषा का शुद्ध रूप. तो देखिए, हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है. अतः इस पर बोलियों और उपभाषाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है. ऐसी स्थिति में कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव किया जाने लगा है. भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे भाषा का मानक रूप कहा जाता है. तो जो विद्वानों द्वारा और शिक्षितों द्वारा जिसको रूप प्रदान किया गया है, वो भाषा का शुद्ध रूप कहा जाता है, मानक रूप कहा जाता है. तो चलते हैं बोली की तरफ कि बोली है क्या. बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप बोली कहलाता है. यानी कि किसी क्षेत्र विशिष्ट में हर जगह की अपनी अपनी बोली होती है. तो वही बता रहे हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप बोली कहलाता है. भाषा का मौखिक रूप प्रचलित होने के कारण यह स्थान स्थान पर बदलती रहती है. लोकोक्तियों, लोक कथाओं, लोक गीतों की रचना बोलियों में ही की जाती रही है. बोली का क्षेत्र बहुत सीमित रहता है, बहुत कम रहता है. क्यों? क्योंकि जगह जगह की अपनी अपनी अलग अलग बोली होती है. अब देखिए उपभाषा. उपभाषा क्या है? जब बोली का क्षेत्र कुछ बढ़ जाता है, यानी कि जब बोली का क्षेत्र कुछ बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना की जाने लगती है, तो उसे उपभाषा कहते हैं. एक उपभाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं. तो देखिए, इसमें बता रहे हैं कि हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और उनकी बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है. पूर्वी हिंदी, इसमें देखिए औधी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि. पश्चिमी हिंदी है तो ये हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली आदि. राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, जोधपुरी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती आदि. पहाड़ी हिंदी की देखिए कौन कौन सी है, इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, मड़ियाली आदि. बिहारी, मागधी हिंदी, मैथिली, मगधी, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका आदि. तो ये था आपका, इसमें हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और उनकी बोलियों को 5 भागों में बांटा गया. तो आज बस इतना ही. आगे कल. आज आपका होमवर्क है, आपका क्वेश्चन है, इसको लिखिए. उपभाषा किसे कहते हैं, यह बोली से किस प्रकार भिन्न है? उपभाषा किसे कहते हैं, यह बोली से किस प्रकार भिन्न है? तो आपका आंसर होगा जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि उपभाषा किसे कहते हैं. तो आप बताएंगे कि जब बोली का क्षेत्र कुछ बढ़ जाता है
और उसमें साहित्य रचना की जाने लगती है तो उसे उपभाषा कहते हैं। और इसमें पूछे हैं यह बोली से किस प्रकार भिन्न है, तो आप बताएंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप बोली कहलाता है। तो भाषा का मौखिक रूप प्रचलित होने के कारण यह स्थान स्थान पर बदलती रहती है। लोगों की और लोक कथाओं और लोकगीतों की रचना बोलियों में ही की जाती रही है। बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, बहुत कम होता है। तो इसको आप अच्छी अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में